मैं आपकी तवज्जा एक ऐसी कम्युनिटी के मुकद्दस धाम की तरफ लाना चाहता हूँ कि जो महेश कच्छी महेश्वरी बिरादरी का एक फैत है कि वो अपनी चार देवास की यात्रा सिंध में करने के लिए आते हैं, और इन सिंध में करने के लिए सबसे बड़ा फैद ये है कि इंटरनेशनल तौर पे यात्री भी पाकिस्तान में आते हैं, वहाँ वो हमारे पड़ोस मुल्क हों, चाहे वो कैनेडा के महेश्वरी हों, अमेरिका के हों, वो अपनी यात्रा परफॉर्मेंस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट थरपाकर मिट्टी में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, इसका कुछ भी नहीं। मैं आपकी एक रिक्वेस्ट आपसे इस प्लेटफॉर्म के तहत कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इंगलाज माता, जिस तरीके से करतारपुर, जिस तरीके से कटास मंदिर एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से एफिलेटेड हैं, हम आपसे इस प्लेटफॉर्म में रिक्वेस्ट करते हैं कि श्री धनी मातंग देव, उनके बाद तीसरी धाम श्री लूणंग देव, उनके बाद दूसरा धाम श्री माताई देव, उनके बाद पहला धाम श्री मामई देव को एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के तहत एफिलेटेड किया जाए, ताकि हमारी यात्रा जो इंडिया से भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कैनेडा से भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जो अमेरिका से भी पाकिस्तान इस मुकद्दस धाम में आ रहे हैं, कम से कम सालाना तौर पर 100 लोग जो हमारी फॉर्मेलिटी जो जितनी भी सरकार की पूरी है वो कंप्लीट करके एवेक्यू ट्रस्ट इससे अपने मातहत इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी धनी मातंग संघ सेवा समिति उनके साथ शाना बशाना रहेगी और वो अपना काम बखूबी से करेगी। कच्छी महेश्वरी मेघौर पंचायत उनके साथ शाना बशाना रहेगी। बस एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के तहत श्री धनी मातंग दादा को एक रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में बम भूखे हम पड़ोस मुल्क को कह सकें, हम पड़ोस मुल्क से कह सकें कि आइए आप सिंध में चार धाम यात्रा कर लें, और यहाँ के लोग वहां पर भी यात्रा करने के लिए इजी तौर पे जा सकें। एक दिली तौर पे है कि एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को एकमाद दिए जाएं। बाकी जो आपके जितनी फॉर्मेलिटीज हैं, जितनी इंक्वायरीज हैं, हम समझ सकते हैं कि स्पेशली पड़ोस मुल्क से क्या क्या चीज़ें हमसे वाबस्ता है, लेकिन जितनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वी आर हेयर, हम यहाँ पर सिंध के बाशिंदे हैं, हम यहाँ पर सिंध के वारिस हैं, हम यहाँ पे हमारी हम माइग्रेशन करते वक्त पड़ोस मुल्क नहीं गए, हमारे अबाउजदाद यहीं से ही हैं। तो एक दिली तौर पर फिर से पूरी बिरादरी के महत्व ये होगी कि हम इनकी पूरी रिक्वेजेशंस आपको फॉरवर्ड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर आप एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन को ये अगर फॉरवर्ड कर देंगे और आपका हाथ अगर हमारे सर पे रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारी नस्ल दर नस्ल आपकी नस्ल दर नस्ल को दुआएं प्रदान करेंगे।